मुझे लगता है आप क्या खाने पीने का रिवाज नहीं है शंकर। क्या बात कर रहे हो यार, रिजक की बात की है ना? रोटी हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है अल्लाह राजी करना है, अल्लाह फरमाता है मेहमान अपना रिज खुद लाता है, लाए हो? अरे कुछ लाए हो, शॉपर में बिरयानी बिरयानी को लाए हो? नहीं लाए तो नहीं। ऐसे आ गया अल्लाह भरोसे पे? भाई दाने दाने पे मोहर है भाई, तुम्हारे पास क्या है? दाने हैं, मोहर है, क्या है? क्या वो भी हमने इंतजाम करना? जाहिर आपने करना। ये ठीक है पीटर, खाने का अरेंज करना, हमारा घर रोटी के लिए मशहूर है। बताओ पीटर, रोटी वाला घर मशहूर है माशाल्लाह। दूर दूर से लोग पूछते रोटी वाला घर कौन सा है, पूछते फिर रोटी दे के जाते। अल्लाह कितना करम है देगा माशाल्लाह। हमारे घर खाना खाएंगे, मुद्दा तो याद रहेगा। क्या बात, खान लगाओ खान लगाओ। सही वक्त पे आ गया, बस देखिएगा आप। लो भाई थैंक यू। मेरे ख्याले आप पहले चिकन ले लीजिए। चिकन ले लो। और अगर आपने चिकन खा लिया तो आप मटन रह जाएगा। मटन पहले, मटन ले ले। मटन ले लेते। और अगर मटन खा लेंगे बूटियां तो फिर ये कबाब रह जाएंगे बीफ के। बीफ के। और बीफ खा लिया तो मटन और चिकन रह जाएगा। मटन तो चिकन और बीफ मिला के खा ले। चिकन और बीफ मिला, ये हो गए मिलावट। मिलावट तो कोई अच्छी बात नहीं है, रख दीजिए। आप मेरा ख्याल है पहले अंगूर ले ले ताकि मैदा खुले, भूख लगे आप। अच्छी बात, अंगूर की बनती है शराब, शराब हराम है, छोड़ दीजिए आप। आप तो शादी की बात करने आए हैं ना, तो मुंह मीठा होना चाहिए। आप गुलाब जामुन ले लें। माशाल्लाह। आपको शुगर तो नहीं? जी हाँ। आप रख दीजिए। आप हाथ साफ करें और ईमानदारी से बताएं खाना कैसा था।